आपको बताते चले कि मारूफ अदाकार रोशन आशा ने आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत पर सोशल मीडिया सार्फिन पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। अदाकारा ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए लिखा कि उन्होंने हमें तफरीह का सामान मुहैया किया जिसे हमने देखा और हम हंसे। मुझे उम्मीद है कि वह अब सुकून में होंगे। रोशन आशा ने मज़ीद लिखा कि अल्लाह पाक हमें हमारे हंसने पर माफ़ फरमाए। गुज़श्ता रोज़ अपनी एक और ट्वीट में अदाकारा ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि उन्हें एक औरत ने अवामी तौर पर बरहना कर दिया था जिससे उन्होंने कानूनी तौर पर शादी की थी। उन्होंने लिखा कि जिस किसी ने इनकी वीडियोस शेयर की उन पर हंसा, उन वीडियोस को देखा, उन सब के हाथ पर आमिर लियाकत हुसैन का खून है, हमारे हाथों पर आमिर लियाकत हुसैन का खून है। याद है कि मुमताज़ टीवी एंकर और मुकर्रर MNA आमिर लियाकत हुसैन दो रोज़ कबल अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ उनकी मौत की तस्दीक की गई। मुलाजमीन का कहना था कि बुध की रात आमिर लियाकत हुसैन के दिल में तकलीफ महसूस हुई, उन्हें अस्पताल जाने का कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। मज़ीद एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई खबर आती है तो हम आपको गाए बगाए आगाह करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाजोक एंटरटेनमेंट।